हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में। द ऑर्गन्स दैट हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। इफ वी टॉक अबाउट इवोल्यूशन, तो इट गिव्स आइडिया ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दैट देर इज अ कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर एक था और उससे बहुत सारे जो है डिसेंडेंट्स आए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। तो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें होमोलोगस ऑर्गन्स मिलते हैं? तो दैट इज मैन, चीता, व्हेल एंड डॉग। अब आप सभी को पता है मैन यूज इट्स हैड फॉर ग्रेस्पिंग, और चीता तो आपको पता है रनिंग के लिए यूज़ करता है अपने फोर लिम्स को, और व्हेल किस लिए यूज़ करती है? स्विमिंग के लिए, और वही बैट यूज़ करते हैं फ्लाइंग के लिए। सो ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मैमल्स, लेकिन सभी अलग अलग तरीके से अपनी फोर लिम्स या हाइंड लिम्स को यूज़ कर रहे हैं। सो इनमें सिमिलैरिटी कहाँ है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी कहाँ है? फंक्शनली तो दे आर डिफरेंट। स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी आप देखिए, जो ऊपर वाली बोन रहती है इसको ह्यूमरस बोलते हैं, और ये रेडियस अंगल रहती है। ये फिर आपको पता है कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, और ये फेलेंजेस हैं। तो आप देखिए यहाँ पे भी वन ह्यूमरस है, चाहे चीता के अंदर देखिए, इधर देखिए, व्हेल के अंदर देखिए या बैट के अंदर देखिए, ह्यूमरस इज वन, ऊपर वाली बोन वन है। फिर रेडियस और अल्ला जिसको हम बोल रहे हैं, ये बोन्स यहाँ पे टू है, मैन में भी टू है, चीता हैविंग द टू एंड व्हेल हैविंग द टू, बैट हैविंग द टू। उसके बाद अगर हम फेलेंजेस की बात करें, जो फिंगर्स में जो बोन्स होती है, अगेन आप देखिए 14 फेलेंजेस है, 1 2 आप इनको काउंट कर सकते हैं। सो या फिर आप 5 फिंगर्स है इधर, तो इन सब में जो है फेलेंजेस का नंबर जो है सेम है, उनमें बोन्स थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है। सो ओवरऑल द स्ट्रक्चर इज सेम बट फंक्शन इज डिफरेंट। सो ऑल दिस इज अबाउट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड होमोलोगस ऑर्गन्स। ऑल द वेरी बेस्ट।